बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ का लीड जनरेशन का एक नया प्रोजेक्ट जो मुझे ऑफर पर मिला था। तो अगर आप ये सीखना चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट पर मैंने किस तरह से काम किया था, इसको मैंने किस तरह से कंप्लीट किया था, तो इस वीडियो को आप जो है कंप्लीट वॉच कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो हमारे सामने जो है ये क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन है जो क्लाइंट ने मुझे भेजा था। यहाँ पर जो क्लाइंट ने लिखा, आई नीड यू टू फाइंड डेटा फ्रॉम लिंक्डइन अबाउट बैंक मैनेजर ऑफ USA, 50 लीज नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लिंक्डइन URL, बैंक नेम, ईमेल, और इसके बाद उन्होंने थैंक्स लिखे। $15 का प्राइस था। तो यहाँ पर जो है मैं इसको उर्दू में आपको समझा लेता हूँ। क्लाइंट का जो ये इंस्ट्रक्शन था, वो चाहता है कि आपने जो लिंक्डइन से बैंक मैनेजर जो है उसका डेटा आपने जो है कलेक्ट करना है USA में जो बैंक मैनेजर है। 15 लीड्स आपने कलेक्ट करना है, यानी 15 पीपल जो है मैनेजर उसका डेटा आपने कलेक्ट करना है। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लिंक्डइन URL, बैंक नेम और ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने जो है कलेक्ट करना है। अब इसको हल करने के लिए मैं आपको जो है 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें से जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला जो तरीका वो ये है कि आप इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसको आप देख सकते हो URL है, आप देख सकते हो। इसको आपने सर्च करना है, इस वेबसाइट को इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने क्या कर दिया, अच्छा अब यहाँ पर इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा है बैंक मैनेजर ऑफ़ USA। तो आप जो इस तरह से लिख सकते हो बैंक मैनेजर ऑफ़ USA, तो यहाँ पर आपके सामने जो जितने भी डेटा है वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मुश्किल काम है ये इसका ईमेल एड्रेस फाइंड करना है, क्योंकि आपने जो है कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे कि ईमेल फाइंड करने का रिलेटेड मैंने जो बनाई हुई है वहाँ पर जो जिन यानी जिस बंदे का जो है कंपनी है उसका ईमेल फाइंड करना जो है बहुत आसान है, उसका आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है इस यानी ये जो है ये जो बंदे है जो बैंक मैनेजर उनका जो है वेबसाइट वगैरह नहीं, यानी आपने डायरेक्ट जो है इसका ईमेल फाइंड करना है। तो इनके लिए जो है मैं कुछ टूल को यूज़ करूँगा, जो फ्री टूल है इसको हमने जो है फ्री में यूज़ करना है। तो पेड बहुत ज़्यादा टूल है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको जो फ्री टूल है जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए हमने टूल का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो ये कि आपने यहाँ पर जो है साइट, इसके बाद जो है रेशियो LinkedIn.com, इसके बाद डबल कोटेशन बैंक मैनेजर, इसके बाद डबल कोटेशन स्पेस USA, आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपने जो है यहाँ पर जो है सर्च करना है, आपके सामने जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 1,30,000 जो है डेटा हमारे सामने यहाँ पर अपेयर हो गया। तो यहाँ पर जो बैंक मैनेजर उनका डेटा आपने ऐसे कलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा जो तरीका है वो ये कि यहाँ पर आपने जो लिंक्डइन अकाउंट आपने इसको ओपन करना है। लिंक्डइन अकाउंट पे यहाँ पर आपने जो बैंक मैनेजर लिखना है, पीपल, इसके बाद पीपल आपने सेलेक्ट करना है, सर्च करना है। इसके बाद जो लोकेशन है यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपके सामने जो यहाँ पर डेटा अपेयर हो जाएगा, यहाँ पर आपने जो है कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जो एक यहाँ से कर लेता हूँ, ये जो है इस वेबसाइट से। तो यहाँ पर जो ये सबसे पहला वाला जो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसको मैंने ओपन कर लिया। जैसे इसको मैंने इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने जो है यहाँ पर इसका डेटा पेयर हो जाएगा। तो इसका ईमेल एड्रेस, जितने भी डेटा यहाँ पर इसको मैं कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ सीनियर कॉरपोरेट बैंक मैनेजर एट HSBC बैंक USA N.A। तो यहाँ पर जो ये सही है, तो इसका हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले आपने जो MS Excel का एक फाइल भी आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लिंक्डइन URL, बैंक नेम, ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ भी आपने जो है कलेक्ट करना है, यानी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो सबसे पहले इसका फर्स्ट नेम आपने जो है कॉपी करना है, इसके बाद इसका जो है ये लास्ट नेम आपने कॉपी करना है, क्योंकि क्लाइंट ने जो यहाँ पर लिखा है कि आपने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने कॉपी करना है, यानी आपने जो मिडल का जो नेम है इसको आपने कॉपी नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ मसला है मेरा इस माउस में, तो इसको सबसे पहले इसका जो फर्स्ट नेम इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर जो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका जो लास्ट नेम है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसका लिंक्डइन जो URL है इसको भी मैं यहाँ से जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर जो है इसको हमने इस जगह पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसका जो बैंक नेम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका बैंक नेम है HBS बैंक। तो यहाँ से जो है इसको मैं इस कंप्लीट को मैं जो है इस यहाँ से मैं कॉपी कर देता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको जो है मैं इस जगह से इस जगह पर पेस्ट कर। इसके बाद इसका जो ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है कुछ टूल जो है इसको आपने यूज़ करना है। जो भी टूल आपको जो अच्छा लगता है, जो भी टूल आपके लिए काम करता है, आपने उसी टूल को यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो एक टूल यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर जो ये टूल अब इसका ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर अभी ये फाइंड करेगा फ्री में।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मिल रज यहाँ पर इस उन्होंने क्लिक कर लिया। तो इसको मैं यहाँ पर इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये मिस्टेक हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने एक बार फिर इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जी अब इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर अपेयर हो जाएगा, इसको आपने कॉपी करना है। ये बेहतरीन टूल इसको आप जो है यूज़ कर सकते हो। फ्री में आपको जो है कुछ जो है क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी आपको जो है 50 या 100 या तक आप जो ईमेल एड्रेस को आप जो है फाइंड कर सकते हो। अच्छा इसके ईमेल एड्रेस इसको हमने फाइंड करे, इसको हमने यह जगह पर पेस्ट कर दिया। तो इस टूल को आप जो यूज़ कर सकते हो, ये टूल आप देख सकते हो leadlipper.com, इसको आपने सर्च करना है। ये एक्सटेंशन इसको आपने जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दूसरा टूल, इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन ईमेल फाइंडर PIP, ये आप देख सकते हो। इस यहाँ पर भी उन्होंने इस टूल ने भी इसका जो यानी जो ईमेल एड्रेस है उन्होंने फाइंड कर दिया फ्री में। यहाँ पर भी जो आपको 50 क्रेडिट्स आपको जो मिल जाते हैं, यानी 50% के ईमेल एड्रेस आप जो फाइंड कर सकते हो। और इसके बाद आपने जो है फिर क्या करना है, इन्हें इसको आपने पे करना है। इसके अलावा आप जो इसके लिए आप दूसरा तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, वो ये आपने जिस यानी आपने आपने 4-5 जो है फेक जीमेल अकाउंट आपने बनाना है, फिर एक पर आप आपको जब 50 क्रेडिट जब मिल जाए, यानी 50 जीमेल आप जब फाइंड करो, फिर आपने जो इस महीने यानी फिर आपने जो है दूसरे जीमेल को आपने जो ओपन करना है। यानी आपको हर एक मतलब मंथ्स में आपको जो है 50 जीमेल आपको जो है क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं, यानी 50% का ईमेल एड्रेस आप जो है फाइंड कर सकते हो फ्री में। तो आपने इस तरीके को आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा आप एक हमने जो है फाइंड कर लिया, अब या आप इस यहाँ पर जो है आप लिंक्डइन जो है यहाँ पर भी आप कर सकते हो। यहाँ से जब मैं फ्री लिंक्डइन अकाउंट यूज़ करो तो यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट पेज पर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो है प्रोग्राम मैनेजर बैंक ऑफ अमेरिका, इसके बाद जो ये है प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका मार्केटिंग मैनेजर। तो यहाँ पर जो है यहाँ से भी आप कर सकते हो, आपको जो है यानी जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो आपको आसान लगता है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर जो ये भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने जो है USA हायरिंग ब्रांच मैनेजर एंड ये है, इसके अलावा ये है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, इस पर मैं ये जो है ये इसका नाम है, इसके बाद बैंक मैनेजर USA बैंक, तो इसको मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर जो हमारे सामने ओपन हो रहा है तो इसको मैं कर लेता हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए कि इसको एग्जैक्टली आपने करना किस तरह से है। अच्छा अब ये हमारे सामने अपेयर हो गया। इसका जो आपने फर्स्ट नेम कॉपी करना है, सेकेंड नाम आपने कॉपी करना है, आपने जो यहाँ पर जो ऐड कर लेना है। अब इसके बाद आपने जो क्या करना है, इसका जो नेम है ये आप देख सकते हैं USA.bank, ये इसका नेम है, आपने इसको भी कॉपी करना है और आपने जो इसको इस जगह पर पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और इसका जो है लिंक्डइन ये आप यहाँ से आपने ये कॉपी करना है, इसका लिंक्डइन जो URL इसको भी आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आपने जो है पेस्ट कर देना। इसके बाद इसका ईमेल एड्रेस, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो इस टूल पर से पेस्ट से क्लिक कर देना है, ये लीड्स के पर जो है इस पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो इसका ईमेल एड्रेस अगर अवेलेबल है तो ये आप इसे फाइंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर अपेयर हो गया। तो यहाँ से जो इसको आपने कॉपी करना है, इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते तो ये ज़रूरी भी है, आपने इसको वेरीफाई भी करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जो है अपना आपने इसको ओपन करना है आपके साथ, यानी जो जीमेल का जो अकाउंट इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो है टू पर आपने यहाँ पर इस पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ईमेल एड्रेस है ये वेरीफाई यानी काम कर रहा है। तो आपने इसी तरीके से आपने जो है इसको आप जो है कंप्लीट कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। तो मैंने भी इसी तरीके से मैंने जो है कुछ यहाँ से जो है मैंने क्लिक कर दिया कुछ यहाँ से, तो यहाँ से मैंने जो है 50 जो लीड्स है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया और क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट मैंने सेंड कर दिया। $15 का ये प्रोजेक्ट था। तो आप जो इस तरीके को आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको जो मिल सकते हैं, upwork.com है, इसके अलावा जो fiverr.com वहाँ पर भी आप जो इस तरह से यानी जो स्किल है इसको आप जो है सेल कर सकते हो। बहुत आसान सा तरीका आपने जो मैंने आपको जो तीन तरीके बता दिया, इन तीनों को आपने जो यूज़ करना है, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको जो कोई दूसरा प्रोजेक्ट अगर आपको मिल जाए जिसमें जो आपने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अगर उसका डाटा आपने कलेक्ट करें, तो इसके लिए भी आप यही तरीका आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। आपने जो बैंक मैनेजर की जगह आपने जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने यूज़ करना है। बाकी लोकेशन जो भी लोकेशन अगर कनाडा है या इसके अलावा UK या न्यूयॉर्क जो भी लोकेशन आपने यहाँ पर इसको ऐड करना है, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो यहाँ पर डेटा अपेयर हो जाएगा। बाकी रह गया जो ईमेल एड्रेस है, तो ईमेल एड्रेस के लिए आप जो इस टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्री में जो है आपको जो 50 या 100 जो है लीड्स वगैरह आपको दे देते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये जो टूल मैंने आपको जो बताया, ये टूल इन दोनों को आप जो इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसको ये जो है फ्री में आपको जो है यानी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह ये कर सकते हैं। तो इसको मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी रहेगी आपने जो इस मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।
ये मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक टीवी, यहाँ पर जो है मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, यानी जिन प्रोजेक्ट्स पर मैं काम वगैरह कर लेता हूँ, मैं जितने भी हो सकता है मैं आप लोगों के इंशाल्लाह हेल्प वगैरह करूँगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाकी इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।